वेलकम बैक फैमिली। आज इतने लंबे टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वो बात तो बात की बात है, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं स्प्रिंग रोल की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो रेस्टोरेंट वाले स्प्रिंग रोल की परफेक्ट रेसिपी होती है ना, वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो तो मार्केट वाले परफेक्ट स्प्रिंग रोल बनाने के लिए ना, तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपकी परफेक्ट चॉपिंग होनी चाहिए, मतलब वेजिटेबल की जो चॉपिंग है ना वो प्रॉपर हो और बिल्कुल पतली पतली हो। मतलब अगर मोटी वेजिटेबल होंगी ना तो आपके रोल में जो क्रैक वगैरह आते हैं ना वो वाली प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आप ध्यान दें कि आपकी वेजिटेबल बिल्कुल पतली पतली स्लाइस जो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ स्लाइस्ड करनी है, चॉप नहीं कर देनी है। स्लाइस्ड करते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है स्प्रिंग रोल में, तो इस बात का आप ध्यान दें। यहाँ पर मैंने प्याज, थोड़ी सी गाजर और शिमला मिर्च, जो भी आपके पास सब्जी हो, जितनी ज़्यादा सब्जी चाहेंगे उतनी ज़्यादा टेस्ट आएगा, और एक कैबेज तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके लिए भी एकदम पतले पतले आपको जूलियंस करने हैं। तो अगर आपको देखना है ना या सीखना है कि किस तरीके से पतली तरीके की कटिंग की जाती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो रेसिपी भी ले आऊँगा, रेसिपी कह रहा हूँ वो वीडियो भी ले आऊँगा। तो उसके लिए आप फिर फिलिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ऑयल में ये वेजीज डाल दिए, कैबेज नहीं डालेंगे। और एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान दें, वो स्टेप टू है, आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर अब हम डाल देंगे कैबेज। अब अच्छे से करना है इसे कुक, अच्छे से इसे पकाएंगे। साथ में थोड़े मसाले भी डाल दे रहा हूँ यहाँ पर मैं, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए, और थोड़ा सा डालूंगा ब्लैक पेपर। ये सिंपल से मसाले डालता हूँ, इनसे ही इतना टेस्टी स्प्रिंग रोल बनता है ना, मज़ा आ जाता है। स्टेप टू ये है कि आपको सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, अगर आप ज़्यादा पका दोगे ना तो सब्जी पानी छोड़ देंगी और वो स्प्रिंग रोल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर हम थोड़ी चटनी की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, मार्केट वाली चटनी की रेसिपी भी आज आपके साथ एक बोनस रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आप कह सकते हैं। तो टमाटर ले लेंगे, उन्हें बॉयल कर लेंगे, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च, कोई सी भी लाल मिर्च जो आपके पास अवेलेबल हो, मैंने नॉर्मल वाली यूज़ कर ली है। और फिर जब बॉयल हो जाए ना तो उसके बाद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के चटनी बना लेंगे। ये आपको थोड़ी पतली लग रही है पर बाद में ये सेट हो जाती है। उसके बाद आप डो नीड कर रहे हैं, डो के लिए वही नॉर्मल मैदा लिया है, उसमें तेल डाल के नीड कर लिया है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। 10-15 मिनट रेस्ट ले लेंगे, रेस्ट देने के बाद उसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। जितना आपको साइज रखना है स्प्रिंग रोल का आप उस हिसाब से अपना कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। और इसे पतली शीट जैसा बेल लेंगे। आप क्या करेंगे, शीट को लेंगे, एकदम पतला बेल लिया, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, फिर वो फट जाएंगे स्प्रिंग रोल। थोड़ी सी बीच में स्टफिंग रखेंगे, साइड से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर मैंने मैदे और पानी का मिक्सचर बनाया है, मेक श्योर आप पानी की जगह ये यूज़ करेंगे ना तो आपके बेटर रिजल्ट आएंगे। क्या है, इससे स्प्रिंग रोल एकदम टाइटली पैक्ड हो जाता है, पानी से क्या है वो खुल जाता है। तो इस तरीके से स्प्रिंग रोल प्रिपेयर कर लिया। और थर्ड मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑयल का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, अगर एकदम हीट पे कर दिया ना तो वो टेक्सचर नहीं आ पाता, और स्लो पे कर दिया तो भी नहीं आएगा। तो एकदम मीडियम हॉट ऑयल हो, ये मेक श्योर आप ध्यान रखें। एकदम क्रिस्पी करारे स्प्रिंग रोल तैयार हैं। ये आप कढ़ाई से निकालेंगे ना उसके बाद थोड़ा और इनका रंग बदलता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। और हमारे स्प्रिंग रोल बनके रेडी है, देख रहे हो आप, बिल्कुल मार्केट वाला लुक आया। अभी आपको मैं काट के अंदर से भी दिखाता हूँ किस तरीके के हमारे स्प्रिंग रोल बने हैं। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपकी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अगर आती है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सलूशन भी हम हैं बैठे हैं, निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। और ये स्प्रिंग रोल हमारे बन के रेडी है। नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वो तो चलो बात की बात है। और ये तो टेस्टी है, मैं तो खाने जाऊँ। फॉलो करते हुए हमने इतने परफेक्ट रेस्टोरेंट वाले स्प्रिंग रोल बनाए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है ना, और नई रेसिपी कौन सी चाहिए कमेंट करके बताइए, वरना मैं तो नई रेसिपी लाता ही रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।